तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव फिस्कल इन 2019-20 विच कंट्री रिमेन्ड इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर? यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी. सेकेंड कंसेक्यूटिव फिस्कल 2019-20 में किस कंट्री ने टॉप ट्रेडिंग पार्टनर जीता है फिर से? सो ऑप्शंस आर यूके, यूएसए, फ्रांस एंड जर्मनी. सो द करेक्ट आंसर इज यूएस. USA remained India's top trading partner for the second consecutive fiscal in 2019-20, which shows increasing economic ties between the two countries. US ही इस बार भी बना है इंडिया का सबसे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, जो कि दो साल से बनते आ रहा है 2019-20 से, और इस साल भी वही बना है. और ये दोनों देश के बीच में इकोनॉमिक टाइज को बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज शो कर रहा है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड कंट्रीज एनुअल मीडियन जीडीपी ग्रोथ फॉर 2020-21 एज प्रेडिक्टेड बाय फिकी इन इट्स इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे? कंट्री की एनुअल मीडियन जीडीपी ग्रोथ कितनी है, कितनी प्रेडिक्ट की गई है फिकी के द्वारा इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में? सो हेयर आर द ऑप्शंस, 5.9%, 3.4%, 3.8%, 4.5%. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन डी. इंडस्ट्री बॉडी फिक्की सेड इट्स इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे हैज़ प्रोजेक्टेड द कंट्रीज एनुअल मीडियन जीडीपी ग्रोथ फॉर 2021-22 एट -4.5% with a minimum and maximum growth estimate of -6.4% and 1.5% respectively for 2020-21. So now next question, with which bank has the Jharkhand government signed a memorandum of understanding to offer digital payment solution to traffic violators? ट्रैफिक वायलेटर्स को डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन देने के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने किसके साथ MOU साइन किया है, किस बैंक के साथ? सो हियर आर द ऑप्शंस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, HDFC बैंक. झारखंड गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विद प्राइवेट लैंडर HDFC बैंक टू ऑफर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन टू ट्रैफिक वायलेटर्स. ट्रैफिक वायलेटर्स को डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन देने के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने MOU साइन किया HDFC बैंक के साथ. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मैक्सिमम कैप ऑन द अमाउंट ऑफ सम इंश्योर्ड आरोग्य संजीवनी पॉलिसीज विच इज नाउ बीन रिमूव्ड बाय IRDAI? कितना मैक्सिमम अमाउंट दिया गया था आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के लिए, जो कि अब तो रिमूव कर दिया गया है IRDAI से? सो हियर आर द ऑप्शंस, ₹2 लाख, ₹5 लाख, ₹6 लाख, ₹4 लाख. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ₹5 लाख. द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI हैज अलाउड ऑल जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज टू इंक्रीज द सम इंश्योर्ड ऑन स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बियॉन्ड ₹5 लाख विद इमीडिएट इफेक्ट. IRDAI ने सारे जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कहा है कि वो अपने इंश्योरेंस के पैसे को, अमाउंट को, प्रोडक्ट को 5 लाख बढ़ा सकते हैं इमीडिएट इफेक्ट के साथ. द रेगुलेटर हैज़ नाउ अलाउड इंश्योरेंस टू ऑफर सम इंश्योर्ड एज लो एज ₹50,000 विद नो अपर लिमिट. द सम इंश्योर्ड हैज़ टू बी इन मल्टीपल्स ऑफ ₹50,000. उसने ये भी बताया है कि जो लो आप ऑफर कर सकते हैं वो है 50,000, और 50,000 के मल्टीपल में आप कुछ भी ऑफर कर सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय मास्टर कार्ड टू हेल्प स्मॉल बिजनेस इन इंडिया एमिड द COVID-19 पैंडेमिक? COVID-19 पैंडेमिक के बाद कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया मास्टर कार्ड में ताकि इंडिया में स्मॉल बिजनेस को हेल्प मिल सके? सो नाउ नेक्स्ट ऑप्शंस आर ₹170 करोड़, ₹300 करोड़, ₹250 करोड़, ₹220 करोड़. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ₹250 करोड़. द ग्लोबल लीडर इन पेमेंट टेक्नोलॉजी मास्टर कार्ड अनाउंसड एन एडिशनल ₹250 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू हेल्प स्मॉल बिजनेस इन द कंट्री अमिड द COVID-19 पैंडेमिक. ग्लोबल लीडर ने पेमेंट टेक्नोलॉजी मास्टर कार्ड में अनाउंस किया है कि ₹250 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा स्मॉल बिजनेस कंट्री में, स्मॉल बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस COVID-19 पैंडेमिक के बाद. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ काउंटर टेररिज्म वीक 2020? काउंटर टेररिज्म वीक 2020 का
थीम क्या है? सो आर आर ऑप्शन स्ट्रेटजिक एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म इन ग्लोबल पैंडेमिक एनवायरनमेंट, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कॉम्बेट द इवॉल्विंग थ्रेट ऑफ टेररिज्म, पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड काउंटर्स एंड पिवट पॉइंट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलेटरल कोलैबोरेशंस, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्पैक्ट एंटिटीज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. The virtual counter-terrorism week was held from 6 to 10 July and convened under the overarching theme of strategic and practical challenges of countering terrorism in a global pandemic environment. Virtual counter-terrorism week जो कि 6 से 10 जुलाई के बीच में हुआ और इसके लिए strategic practical challenge of countering terrorism in a global pandemic environment ये इसका theme है. So now next question, whose resignation as its CEO has been accepted by the Board of Control for Cricket in India? BCC India ने किसके resignation को accept किया as the CEO? So here are the options, Saurav Ganguly, Jaisa, Mahim Verma, Rahul Johri. So here the correct answer is option D, Rahul Johri. Rahul Johri, the first CEO of BCCI, will step down by the end of this month after the board accepted his resignation. Johri, who had joined the BCCI on June 1, 2016, had tendered his resignation in December last year. His 5-year contract with the world's richest cricket federation was to end only in May next year. Rahul Johri, जो कि first year chief executive हो चुके हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के, BCCI के फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO हैं. तो इन्होंने रिजिग्नेशन के लिए अप्लाई किया था और इन्होंने BCCI कब ज्वाइन किया था, June 1, 2016 को इन्होंने ज्वाइन किया था और दिसंबर में ही इन्होंने लास्ट ईयर रिजिग्नेशन के लिए फाइल किया और नेक्स्ट ईयर मई में इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा. इन्हें अप्रूवल मिल गई रेजिग्नेशन के लिए. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन बाय रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल USA. किसे ऑनर किया गया पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन जो कि रोटरी फाउंडेशन की तरफ से रोटरी इंटरनेशनल USA ने किया है. सो हियर आर द ऑप्शंस, YS जगनमोहन रेड्डी, सर्बानंद सोनोवाल, इदापादी के पलानी स्वामी, नीतीश कुमार. YS जगनमोहन रेड्डी, सर्बानंद सोनोवाल, इदापद्दी के पलानी स्वामी और नीतीश कुमार, इन सभी को ऑप्शन में है. तो आपको किसे मिला था ये अवार्ड? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, द रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल हैविंग इट्स हेडक्वार्टर एट शिकागो हुएज ऑनर TN चीफ मिनिस्टर इदापद्दी के पलानी स्वामी विथ पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन. द Paul Harris Fellow Recognition is accorded to honor people who render efficient service in providing drinking water, sanitation, prevention of disease, environment, world peace, etc. to its people. Rotary Foundation की तरफ से Paul Harris Fellow Recognition Award दिया गया TN के Chief Minister इदापद्दी के पलानी स्वामी को. और ये अवार्ड किसे दिया जाता है? ये Paul Harris Fellow Recognition Award उन्हें दिया जाता है जो कि लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं, सैनिटेशन प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर, और डिजीज से बचने में हेल्प भी करते हैं और इन्वायरमेंट को हर तरह से हेल्प करते हैं. So now next question, for which short documentary has the Arunachal Pradesh filmmaker Gezang Di Thongdok bagged the Dada Saheb Phalke Award 2020? Kis short documentary ke liye Arunachal Pradesh ke filmmaker Gezang Di Thongdok ko mila hai Dada Saheb Phalke Award 2020? So are the correct options are Chi Lapo, Gulabi Gang, Tamladu, Chumbi Mangeji. So here the correct answer is option A, Chi Lupo. अरुणाचल प्रदेश फिल्म मेकर केजांग दी थोंगडॉक हैज़ बैक्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 फॉर अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री छीलुपू. छीलुपू इज बेस्ड ऑन अ हनी हंटिंग के ऊपर ये फिल्म है छीलुपू. और अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर केजांग दी थोंगडॉक को इस फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 मिला था. सो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. ओके, थैंक यू. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile. Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.